हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज हम इस वीडियो में 2023 में महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिकल कमीशन, ठीक है ना। तो नेशनल स्टैटिकल कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर, ठीक है ना। तो नेशनल स्टैटिकल्स कमीशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जून 2005 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय अन्वेषण विभाग यानी CBI के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। सुबोध कुमार जायसवाल, केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI। CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, विवेक गोगिया जो हैं NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेटर नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, रोजर बिन्नी जो है BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, VVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के CEO बने हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष CEO कौन बने हैं? VVR सुब्रमण्यम। अब बात है नीति, तो नीति शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और बता दिया अध्यक्ष तो कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, जगदीप धनखड़ जी जो हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ठीक है ना। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, आर वेंकट रमणी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, सील वर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक बने हैं। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स
इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को, 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, अतुल करवाल जी जो है एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बने हैं। अब एनडीआरएफ तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, सत्य प्रकाश प्रधान जी जो हैं NCB यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं, ठीक है ना। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 को, 17 मार्च 1986 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट होगा, संतोष कुमार यादव NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार दुबे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो 12वां का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, दिनकर गुप्ता। NIA यानी क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नए महानिदेशक ऑप्शन सी राइट होगा, MA गणपति जी हैं जो NSG के महानिदेशक बने हैं। अब NSG तो सभी जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की नए गवर्नर कौन बने हैं? ठीक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के गवर्नर कौन बने हैं? 14वां का इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, शक्तिकांत दास। अब RBI तो सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में, 1 अप्रैल 1935। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसकी डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, ग्रेग बार्कले कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के, जो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, कब? 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में, ठीक है ना। और मोटो क्या है इसका, ये याद रखना है, मोटो, ठीक है ना, ICC का मोटो क्या है याद रखना है, क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के नए प्रमुख वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, कौन सा? डॉक्टर जेरेमी फरार जो हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख वैज्ञानिक बने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IPL के नए अध्यक्ष यानी इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 17वां यानी ए ऑप्शन राइट होगा, अरुण सिंह धूमल IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के नए
अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुजॉय लाल थाउसेन बने हैं, ठीक है ना। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया BARC इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट होगा, शशि सिन्हा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका स्थापना 2010 में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट होगा, एम जगदीश कुमार, UGC। UGC यानी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एस सोमनाथ जो है इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो यानी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके फाउंडर कौन है? तो इनके फाउंडर का नाम जरूर याद रखना है, विक्रम साराभाई जो है इनके फाउंडर है। और हेडक्वार्टर तो बता दिया कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास NABARD NABARDS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट होगा, के वी साजी NABARD इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, कब? 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका कहाँ हेडक्वार्टर? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? बी ऑप्शन राइट होगा, अरुण गोयल जी जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष बी ऑप्शन राइट होगा, किशोर जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1975 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25वां क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, सामंत गोयल जो है रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, पवन गोयनका जी है इन स्पेस के नए अध्यक्ष बने हैं। इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन होता है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27वां क्वेश्चन है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए राइट होगा, मनोज सोनी जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में, याद रखना 1926 में कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सी बी एस सी
सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं, तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष निधि छिब्बर बनी हैं। निधि छिब्बर जो हैं सीबीएसई के नए यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की नए अध्यक्ष बनी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन है, सीमा सशस्त्र बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, एस एल थाउसेन एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने, महानिरीक्षक, तो ठीक है ना, तो इसकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ए ऑप्शन राइट होगा, प्रवीण छाबड़ा। और एनएसजी के बारे में तो अभी मैंने पीछे ही बताया है, एनएसजी। अब एनएसजी का आप फुल फॉर्म बताएंगे, उसकी स्थापना बताएंगे यानी फॉर्मेशन, कब इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, सत्येंद्र प्रकाश प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में कब, जून में इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अनिल कुमार लाहोटी जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, वसुधा गुप्ता। AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, विवेक राम चौधरी जो है इंडियन एयरफोर्स के नए महान नए प्रमुख बने हैं। तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1932 में कब, 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो नौसेना यानी इंडियन नेवी के प्रमुख कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन राइट होगा, आर हरिकुमार नौसेना के प्रमुख बने हैं इंडियन नेवी के। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में कब 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, सुजाय लाल थाईसेन। अब CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में यानी 1939 में, 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38वां क्वेश्चन है, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं। तो नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, सुनील बार्थवाल जो है नए वाणिज्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी इंडियन आर्मी के नए प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन बी राइट होगा, मनोज पांडे जी, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ठीक है ना, इसका मोटो भी आपको याद रखना है, इसका मोटो क्या है, सेवा परमो धर्मा जो है इसका
मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40वां क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, सोमा मंडल को। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। 1973 में कब, 1973 में कब की गई थी, 24 जनवरी 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं। नए महानिदेशक कौन बने, ऑप्शन ए राइट होगा, संजीव कुमार। और मैंने अभी इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका सन मतलब कब स्थापना हुई थी और उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ये अपन को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, अरुण गोयल। अरुण गोयल जो कौन बने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ठीक है ना। इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, यानी भारत का राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी SEB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 43 का डी ऑप्शन राइट होगा, माधवी पुरी बुच जो है सेबी की नए अध्यक्ष बनी हैं, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नए अध्यक्ष बनी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है ना, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DRDO के, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन राइट होगा, समीर बी कामत। अब DRDO तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसका 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मोटो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, संस्कृत और इंग्लिश में आपको दोनों में याद रखना है। संस्कृत में है वलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस यानी वलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45वां क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, अनिल चौहान बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसकी स्थापना कब की गई थी, सॉरी ये कब बने हैं, अनिल चौहान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CDS की स्थापना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि CDS की स्थापना कब की गई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46वां क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य उद्योग FICII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, शुभ्रकांत पांडा जो है FICII के अध्यक्ष बने हैं, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स और ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं। तो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, विवेक गोगिया जी, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। 1986 में कब, तो 11 मार्च 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC की नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, विवेक जौहरी जी को, ठीक है ना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम होता है इसकी फुल फॉर्म, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा सुरक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, विवेक जौहरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, मोहम्मद तैयब इमरान पाकिस्तान के हैं, ये बने हैं
अध्यक्ष, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने के स्विट्ज़रलैंड में, लुसाने के स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना की गई थी 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50वां क्वेश्चन है, किस भारतीय को वैश्विक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर संगठन यानी GSMA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी राइट होगा, गोपाल विट्ठल को, गोपाल विट्ठल को GSMA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 51 क्वेश्चन है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF के नए अध्यक्ष कौन बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। इसकी स्थापना 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस के फ्रांस में, पेरिस के फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष यानी FIDE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विश्वनाथ आनंद बने हैं उपाध्यक्ष। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका भी हेडक्वार्टर है लुसाने के स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अध्यक्ष कौन बने हैं, ऑप्शन ए राइट होगा, आर्केडी बोर्कोविच इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, जी ए वी रेड्डी जो है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, मार्च 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, जयंत पटेल जो है ISPA यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 2021 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, अधीर अरोड़ा जो है मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FICCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो नए महानिदेशक कौन बने हैं, ऑप्शन ए अरुण चावला, FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना मैंने बताया था 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, विनीत कुमार खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नए CEO बने हैं। इसकी स्थापना 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑल इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, मेघना अहलावत बनी है, ठीक है ना। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के नए प्रबंधक निदेशक कौन हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, सीनू अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, सुंदर रमण राम मूर्ति। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में
एक जनवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, PT ऊषा एथलीट हैं, ठीक है ना। यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTEA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, टी जी सीताराम इसके नए अध्यक्ष बने हैं। यानी AICTE का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना होती है 1945 में इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के एथलीट आयोग अध्यक्ष के रूप में किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, अरुण कुमार सिंह जो है ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी NMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, किशोर कुमार बासा नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, प्रमोद चंद्र मोदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए अध्यक्ष कौन, नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए राइट होगा, डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नई महालेखा नियंत्रण यानी CGA कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, भारती दास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, G.अशोक कुमार जो है बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, डॉक्टर एस राजू जो है भारतीय भू संरक्षण सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं ए नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन सी राइट होगा, डॉक्टर PD वघेला यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, और कब, 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, ऑप्शन बी राइट होगा, अजीत डोभाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजय सांपला नेशनल
कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है। वर्तमान में भारत के गृह सचिव की बात की गई है, गृह सचिव की बात की गई है, तो सी ऑप्शन राइट होगा, अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी, 1976 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा बोर्ड BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, जुल्फिकार हसन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नितिन गुप्ता जो है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष बने। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथलीट्स ऑफिसर एंड लोकपाल कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, विनीत सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, ए राइट होगा यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इसकी, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, रेखा शर्मा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के नए अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महानिदेशक कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, 26 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, भरत लाल नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, राजीव बहल जो बने हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 1911 में की गई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तट रक्षक ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, वीरेंद्र सिंह पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1977 में कब, 1 फरवरी 1977 में। इसकी हेडक्वार्टर कब है, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, अनीस दयाल सिंह, ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, मनोज कुमार, इसके बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश N. पटेल बने हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय लागत लेखांकन संस्था ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, विजेंद्र शर्मा यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया
के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, विजेंदर शर्मा। इसकी स्थापना 1900 इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1900 के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, हंसराज अहीर। हंसराज अहीर NCBC यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इसकी स्थापना 1993 में कब, 14 अगस्त 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय महिला क्रिकेट के नए बल्लेबाजी कोच कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, हरिकेश कनिटकर जो है इसके बल्लेबाजी के कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, अचलेंद्र रेड्डी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के नए CEO कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, विशाल कपूर जो है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के नए CEO बने हैं। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडॉस के नए CEO कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, बियोन गुल्डर। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं। तो नए निजी सचिव विवेक कुमार बी ऑप्शन राइट होगा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं। ये भी याद रखना है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी के नए सचिव कौन बने हैं, इस भी राजेश वर्मा जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक DGMO कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं, मनोज कुमार कटियार। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना, धन्यवाद।